फाइनल 15 दिया हुआ। एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से एक से ऊंचा अंकित किया गया सबका, मतलब पहला मकान, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते टोटल कितने मकान किए हमने? 49। सबके नंबर लग रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ऐसा लग रहा है। अब दर्शाइए कि एक ऐसा मान है एक्स, बीच में कहीं मकान नंबर है, मान लो मकान नंबर 300 होगा या 35वां होगा या 40वां है या 32वां है या 33वां, कोई ऐसा ही मकान है, माने कि मकान कौन सा है? वो एक्स है। तो ऐसा हो सकता है, माना कि वो 28 है, ये 29 है, ये 30 है, ये 31 है, और ये कितना हो गया 32। तो माना कि वो मकान 30, ऐसे एक तरह से मान लिया, उसको हमने क्या मान लिया है? एक्स मान लिया। तो बताओ ये एक्स है, ये 30 है, तो 30 से पहले क्या था? तो यहाँ उत्तर हमें फिक्स मालूम नहीं है, ये 30 है, 29 है, तो माना है कि यहाँ एक्स है, तो यहाँ का मान क्या होगा? इससे एक कम, और इधर क्या है? एक ज्यादा। इधर तो आपसे होगा एक कम, मतलब कौन सा? एक्स माइनस एक। यहाँ क्या आएगा? एक्स माइनस दो, एक्स माइनस एक, इधर ज्यादा है तो क्या आएगा? एक्स प्लस एक, एक्स प्लस दो। तो आपके सही दे रखी है, बीच में हमने किसी एक को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एक्स के इधर तो है एक्स माइनस दो, एक्स माइनस एक, इधर क्या है आपके? एक्स प्लस एक और एक्स प्लस दो, इधर बढ़ते हुए और इधर आपके घटते हुए, ये तो हमने मान लीजिए। इसने कहा है कि आपके x से अंकित मान, जिसको हमने x माना है, उसके पहले के जितने भी नंबर है ये वाले, इसका योग और इसके बाद वाले, इस x के बाद वाले अंकों का योग, ये योग दोनों क्या होते हैं? इसने कहा है बराबर, दोनों क्या है? बराबर। ऐसे सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, माना कि बीच में कितना है आपने? 3 है। इसने कहा है इधर दोनों का जोड़, और ये जोड़ क्या है आपके? बराबर है। इसका जोड़, इसका तो जोड़ में बताओ सूत्र में क्या लगाते हैं हम? एस एन लिखते हैं। एस एन मतलब जितने पद है, तो हमारे पास कितने पद है? एक्स माइनस एक है। तो आपके देखो इसने कहा है कि ये वाला एक्स माइनस एक किसके बराबर है? इधर वाले पदों का योग। अब इधर वाले पद कौन से होंगे बताओ? ये हो जाएगा, देखो मुझे निकालना है ये वाला, तो ये कैसे निकालूंगा? पहले क्या करना पड़ेगा? मेरे पास है घुमता, जो भी हम एस एन ज्ञात करते हैं वो एस एन मतलब होता है एक से कितना। अगर मैं मुझे ये ज्ञात करना, क्या करना पड़ेगा? पहले ज्ञात करना पड़ेगा मुझे एक से घुमता, क्या करना पड़ेगा मुझे? एक से घुमता हो गया। यहाँ से कर लो कि जितने मुझे ज्ञात करने हैं, जितने मुझे क्या करना है ज्ञात, जितने इधर दे रखे ये दोनों बराबर है, बराबर है। देखो ये वाला योग इसके बराबर है, तो ये तो हमने लिखना आसान है के एस, या मान लो 29 है तो क्या आ जाएगा? एस 29 हो गया। अब आगे मान लो कि ये 30 है, अब ये बताओ मैं यह कह लूंगा घुमचा, अगर मैंने ये लिखा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके 1 से 29, इसका मतलब होता है आपके 1 से 29 होता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आगे कौन सा? ये नंबर 30 है, तो ये क्या चाहिए? मुझे चाहिए 31 से लगाना 49। मुझे क्या चाहिए? 31 से 49। वो कैसे निकले बताओ? इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, क्या माइनस करूंगा? इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 30 पद। अगर मुझे एस 49 में से क्या घटा दूं मैं? एस 30 घटा दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? एस 49 का मतलब होता है 1 से 49, एस 30 का मतलब क्या होता है? 1 से 30। तो 1 से 49 में से मैंने 1 से 30 घटा दी, तो पीछे क्या बचे? पीछे बच जाएगा आपके 31 से 49 हो जाएगा। 1 से 49 में से मैंने घटाया 1 से 30, ये देखो 1 से 5 में से मैं घटाऊंगा, जो भी मेरे पास 1 से 5 है उसमें क्या घटाना पड़ेगा मुझे? ये वाला कौन सा? 1 से 3 घटाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 और 5 आ जाएगा। इसने कहा है कि 1 से 2 बराबर है 3 से 4, 3 से कितना है? 4 से 5। माना कि ये चीज मुझे याद रखनी है, 1 से 2 बराबर है 4 से 5, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ तो लिखेंगे एस 2, ये वाला मतलब ये जो पद है ये वाला, ये आ जाएगा यहाँ पर बराबर। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपके लोग एस ना तो 5 लिख सकते हैं ना ही एस 4 लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे एस 5, एस 5 का मतलब होता है 1 से 5, एस 5 मतलब क्या होता है? 1 से 5। तो अगर मैंने एस 5 लिखा तो मतलब क्या हुआ? पूरे ज्ञात हो गए। अब क्या करूंगा मैं?
ये नहीं, ये वाला भी इसमें से माइनस कर दूंगा, इस पांच में से तीन माइनस कर दूंगा, पीछे क्या आएगा चार पांच, मैं क्या करूंगा इस पूरे में से ये नहीं ये घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा मैं एस, ये क्या घटाऊंगा मैं एक्स घटाऊंगा। अगर मुझे ये वाला मान याद करना है तो इस पूरे में से मुझे यहां तक का मान माइनस करना पड़ेगा, और देखो यहां तक किया तो ये लिखा, यहां तक किया तो ये लिखा, और पूरा लेंगे तो क्या लिखेंगे बचा, ये वाला जोड़ इसके बराबर है तो मुझे यहां तो लिखना है एस एक्स माइनस एक्स, और यहां लिखना है ये वाला। अब ये लिखने का तरीका क्या है, ये लिखने का तरीका है पहले लो पूरा पूरा लिया तो आगे बचा, इस पूरे में से मुझे यहां तक माइनस कर दो ये वाला हटा दो, जैसे हटाएंगे पीछे बचाएगा आपके ये वाला, तो एस 49 में से मैंने घटाया है यहां तक का मान, तो आगे आ जाएगा ये समीकरण बन गया। क्या लिख सकते हो कि इस x से पहले का मान है और ये वाला x के बाद का मान है, आएंगे हम वो ये तो लाइन लिखी मैंने वापस दे दी एक बार, माना कि ये तो है आपके 1 से 39 ये कितना है 30 माना था, और ये क्या है 1 से 49 एस लिखते ही समझ लो वो 1 से स्टार्ट हो, जबकि इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हमें बराबर करना है 1 से 39 और इधर क्या लाना है, इधर लाना है आपको 31 से 49 लाना है, तो हम क्या करेंगे 1 से 49 में से 1 से 30 घटा देंगे, ये समझा था गिनती समझ लो, 1 से लगा के 49 तो बोलिए आपकी गिनती, मैंने कहा 1 से 30 से ही बोलना है, जैसे मतलब आपको कहां से बोलना है 31 से बोलना है, तो जैसे ही मैं 1 से 49 में से 1 से 30 घटाऊंगा पीछे वाला आगे वाला क्या हो गया 31 बच गया, वो हो गया, तो मुझे यहां से लगाकर ये वाला घटाएंगे तो आपके आ जाएगा 31 से स्टार्ट हो जाएगा, यहां तो 30 नहीं है ये हो जाएगा 31 से, तो मुझे 49 से घटाना है, इस पूरे में से घटाना है यहां तक का मान, जैसे एस लिखते हैं वो 1 से स्टार्ट होता था, इसीलिए ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा कि एस एस माइनस वन बराबर क्या होगा आपके एस 49 माइनस एस एक्स आ जाएगा, अब ये तो मैंने लिख दिया, अब बताओ एस का सूत्र क्या याद करेंगे, एन बटा दो कोस्टर क्या आ जाएगा 2a प्लस हमारे पास डी है, क्या डी तो है लास्ट पद की है हमारे पास, ये लेकिन लास्ट पद हर एक मान लगाता है, अब तो लास्ट पद भी से भी कर लो क्या लगाएंगे a प्लस एल ये लगा दो सिंपल सोचो, अब बताओ n का मतलब क्या है, s n का है ये वाला n है, जैसे मैंने लिखा n बटा दो तो बताओ यहाँ क्या आएगा x माइनस एक बटा, क्योंकि जहां जहां n है वहां कितना है x माइनस एक है, फिर क्या है आपके कोष्टक, फिर है a, बताओ यहां से यहां तक में a कितना है एक, फिर आगे क्या है प्लस, अब n मतलब इस श्रेणी का लास्ट पद कौन सा है, ये लास्ट पद कितना है x माइनस एक का लास्ट पद है बराबर, अब s घुमचा का मतलब क्या होता है बताओ, n कितना बताओ 49, तो क्या आएगा 49 बटा 2 कोष्टक, बताओ प्रथम में कितना प्रथम पद एक, अंतिम में कितना दे रखा है 49, अब यहां करेंगे माइनस, अब बताओ यहाँ n था n और यहाँ n की जगह क्या है x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n की जगह लगाएंगे x लगाएंगे, तो आएगा x बटा 2 कोष्टक, अब ये आ रहा a, बताओ इसमें यहाँ से लगाकर यहाँ तक में a कितना है, a मतलब प्रथम में कितना है a प्लस इस यहाँ से लगाकर यहाँ तक में बताओ अंतिम पद कौन सा है, अरे यहाँ से लगाकर यहाँ तक ऐसे ऐसे लगा ना, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक बताओ अंतिम पद कौन सा है, पहला पद ये रहा अंतिम पद कौन सा है x है, ये आ जाएगा, अब देखो सब अब यहाँ क्या आ जाएगा आपके सबके भाग में कितना है 2 है, 2 तो सब में कट गया, अब यहाँ क्या आएगा बताओ x माइनस एक हो गया और ये वाला एक से कैंसिल और क्या है केवल x आ गया, इधर हो गया 49 इंटू एक कितना होगा 50 माइनस, अब यहाँ से गुणा करो कितना आएगा x एक x प्लस क्या आ जाएगा आपके x स्क्वायर आ जाएगा, अब गुणा करना है तो बताओ इसको से गुणा करो क्या आएगा x स्क्वायर, इसको से गुणा करो कितना आएगा x आ जाएगा, इधर गुणा करो कितना आता है 2450 आधा रुपया 2450 माइनस x प्लस क्या आ गया आपके x स्क्वायर, ये देखो आपके यार गुणा किया हमने कितना x स्क्वायर हो गया और ये गुणा किया कितना आ गया आपके x हो गया, उधर देखो ये क्या हुआ यहाँ माइनस है ना, तो दोनों किसमें हो गया आपके माइनस में हो गया,
अब ये माइनस का ये माइनस का कैंसिल, ये इधर आएगा पच्चीस हो जाएगा आपके प्लस में, और ये हो जाएगा आपके कितना 2450। ये कितना हो गया आपके 2x² = 2450 गुणा है तो x स्क्वायर का मान क्या गया 2450 / 2 तो कितना है 1225 स्क्वायर हट गया, याद लग जाएगा आपके अंडर रूट, तो कितना आता है अंडर रूट 35। इसका मतलब ये नंबर कौन सा है 35वां। तो अब ये जो मैंने बताया था ये तो है एस एक से लेकर 34 पद, ये है एक से 49 पद, और ये है आपके एक से 35 पद। तो 35वां नंबर मकान है, इसमें 35 में एक से 34 की जोड़ जितनी होती है उतनी जोड़ होती है 36 लगाकर 49 की जोड़ होती है। मैंने ऐसे नंबर लिया 31 का, तो वैसे आप दूसरा नंबर लेकर भी, मेन चीज है ये कैसे मैंने लिखा और फिर इस चीज को आपको इस सूत्र के हिसाब से आपको जमाना है कि पहला पद ये रहा तो अंतिम पद ये रहा, पहला पद ये रहा तो अंतिम पद ये रहा, पहला पद ये रहा तो अंतिम पद ये रहा, और एन कितना इसमें ये है इसमें 49 है और इसमें कितना है आपके x है, ऐसे जमोगे तो आप गुणा हो जाएगा। अगर आपने ये वाला सीख लिया तो ही ये होगा, इतना हाई कुछ आता नहीं है फिर भी आपको बड़ी प्रैक्टिस करनी है